हेलो फ्रेंड्स, वी आर स्टडीइंग द पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट्स इन दिस सीक्वेंस वी विल डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स। सो योर फोर्थ एग्जांपल इज वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज यूजफुल। इन दिस सब्जेक्ट इज वॉकिंग इन द मॉर्निंग एंड वॉकिंग इज हेड वर्ड जीरेंट टाइप। डू यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ जीरेंट? इट इज It is first form of main verb plus ing. This is the structure of gerund. So walking is head word and in the morning is modifier object. Now the question is, why do we call in the morning as modifier object? इन द मॉर्निंग को मॉडिफायर ऑब्जेक्ट हम क्यों कहें? सो लिसन, इन द सेंटेंस वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज यूजफुल। इफ वी अप्लाई द क्वेश्चन व्हाट, देन वी विल गेट द आंसर वॉकिंग। मींस यदि इस वाक्य में हम व्हाट का क्वेश्चन अप्लाई करें, जैसे सुबह टहलना लाभदायक है, क्या लाभदायक है? सुबह टहलना, सुबह टहलना, वी विल गेट दिस आंसर। नाउ वी नो दैट व्हेन वी अप्लाई द क्वेश्चन व्हाट वी गेट एन ऑब्जेक्ट। ये हम पहले से जानते हैं कि क्या का क्वेश्चन लगाने पर हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। सो हियर वॉकिंग इज एक्ट्स, वॉकिंग एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट एंड इन द मॉर्निंग मॉडिफाइज द वॉकिंग। सो इन द मॉर्निंग इज मॉडिफायर ऑब्जेक्ट। Next, there are some examples. Fifth one is, to pay taxes is our duty. In this, the subject and head word both is to pay taxes. So, see carefully, to pay taxes is infinitive type. The structure of infinitive is, to plus first form of the main verb. This is infinitive structure. Next examples are, it is very pleasant today. In this sentence, subject is it. Next, there is a boy under the tree. In this sentence, subject is there. Now, in both sentences, it and there are called dummy subject. Dummy means there is no sense of its own in the sentence. इस प्रकार के वाक्यों में it और there का कोई सेंस नहीं होता, but it is very important to use as subjects. So here your parts of sentence ends. Now we will take parts of predicate. Parts of predicate has three main parts: verb, object and complement. Object is further divided into two. There are two kinds of object: indirect object and direct object. Now we will study it in detail. First of all, we have to see the definitions of terms. Verb, the work which is done. जो कार्य किया जाए वो verb होता है. We will discuss in detail about the verb in your coming chapters. Second term is object. On which the work is done. जिस वस्तु पर कार्य किया जाए, जिस व्यक्ति या वस्तु पर कार्य किया जाए वो ऑब्जेक्ट होता है. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट. फर्स्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. जनरली इट इंक्लूड्स नॉन लिविंग थिंग्स. अप्लाई द क्वेश्चन व्हाट टू फाइंड आउट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. वी शुड अप्लाई द क्वेश्चन व्हाट. सेकेंड, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इट रेफर्स टू लिविंग बीइंग्स. And to find out the indirect object, apply the question whom. Means किसे, किसको आदि लगाने पर हमें indirect object मिलता है. Now rules to place objects in sentences, or we can say that what is the sequence to place the objects. There are two ways. First, we should write verb, then indirect object, then direct object. And second,
एंड सेकंड वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस टू और फोर प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. नाउ सी इफ वी प्लेस द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन लास्ट देन वी मस्ट यूज ए प्रीपोजिशन टू और फोर. दिस इज द स्ट्रक्चर. नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट. इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द सेंस ऑफ नाउन और प्रोनाउन. इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट. सो फ्रेंड्स फॉर टुडे दिस वॉज द वीडियो. सो प्लीज मेक योर नोट्स प्रॉपरली एंड रीड दीज टर्म्स अगेन एंड अगेन. टुमारो वी विल टेक some more examples and we will discuss about the parts of predicate in detail. So, thank you.